हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हुआ ये आपको बताता हूँ। देखिए, हम डेटा वैलिडेशन का यूज सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं कुछ कंट्रीज के नाम टाइप कर रहा हूँ, लाइक इंडिया टाइप कर दिया, यहाँ पे यूएस टाइप कर देता हूँ, ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ, यहाँ पे रशिया टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और एक दो और कंट्रीज के नाम लाइक जापान टाइप कर देता हूँ, बस इतना ही रखता हूँ मैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे चार कंट्रीज के नाम हमने टाइप किए हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉप डाउन बनाना, तो ये कैसे होगा। देखिए, डेटा पे जाइए और यहां से आ जाइए डेटा वैलिडेशन पे, तरीका वही है। यहां पर आप देखेंगे लिस्ट फ्रॉम अ रेंज सेलेक्ट रहता था, मैं इसको चेंज करवा के लिस्ट ऑफ आइटम कर देता था, लेकिन इस बार हम लिस्ट फ्रॉम अ रेंज ही यूज करेंगे। ये लिस्ट फ्रॉम अ रेंज कर दिया, यहां पर क्या करना है, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, यहां से आप ओके कर दीजिए, काम हो गया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर टिक रखिएगा और यहां पे शो वार्निंग दिखा रहा है, तो हम रिजेक्ट इनपुट कर देते हैं, ठीक है। रिजेक्ट इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, ये अपीयरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे भी टिक कर दीजिए और यहां लिख दीजिए प्लीज। अब पहले ही हटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है पहले से इसको हटा देते हैं, हम खुद से टाइप कर देते हैं, प्लीज एंटर फ्रॉम द रेंज, बस इतना ही लिख देते हैं। अब जब कोई गलत इनपुट हम देंगे तो यही एरर आपको दिखाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पर जैसे ही मैं जाता हूं तो ये देखिए इंडिया, यूएस, रशिया, जापान, ये सब आ रहा है ना। अब वो रेंज आपको सेलेक्ट करनी थी, जैसे मान लीजिए हम एक ही सेल को सेलेक्ट किए थे तो सिर्फ यहीं पर ये ड्रॉप डाउन आया हुआ है। अगर आप इतनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो इतने रेंज में ये ड्रॉप डाउन आएगा, तो डेटा पे जा करके और वापस से यहां डेटा वैलिडेशन पे जाइए और फिर इसको सेव कर लीजिए। सेम चीज को सेव कर देंगे, क्योंकि पहले से मैंने सारी सेटिंग कर दी है इसमें, तो सेम चीज को सेव कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पे जाएंगे ना तो इंडिया, यूएस, रशिया और जापान यही दिखाएगा। अब इसमें से कोई भी नाम आप ले सकते हैं क्या, इसमें से जो नाम नहीं लिखा हुआ है वो भी ले सकते हैं क्या, चेक करते हैं एक बार। तो यहां पर लिखते हैं पाकिस्तान, ये लिख दिया, लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए प्लीज एंटर फ्रॉम द रेंज, जो हमने दिया था कि एरर आने पे यही लिख करके आए, वही चीज यहां पे लिख के आ रहा है, देखिए। अब यहां से ओके कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं। अगर हमको और भी नाम इंक्लूड करना है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान इंक्लूड कर रहे थे, तो यहां पे पाकिस्तान कर देते हैं, पाकिस्तान हो गया ये। और यहां पर क्या करना है, वापिस से डेटा पे जाना है और डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहां पर आपको वो रेंज देनी है जो रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इतना रेंज हमने दिया था तो वही सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब ये आ गया है, देखते हैं इसमें पाकिस्तान इंक्लूड हुआ या नहीं। तो यहां पे देखिए पाकिस्तान आ गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस रेंज को बढ़ाना, जैसे अभी तक तो हम क्या करते रहे, इसमें कंट्रीज के नाम हम बढ़ाते रहे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस रेंज को बढ़ा दिया जाए, तो इस रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, अब इतना आएगा, देखिए ना ये नीचे खाली दिया हुआ है, इसमें भी आ जाएगा ये, तो डाटा पे जा करके आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाइए और यहां से सब कुछ ओके है, आप यहां से बस खाली सेव कर दीजिए, तो देखेंगे कि यहां पर भी वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें कुछ और भी, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाइना, तो ये लिख दिया मैंने चाइना, ठीक है। अब ये चाइना मैंने लिख दिया, लेकिन अभी ये चाइना इंक्लूड नहीं होगा, देखिए ना यहां पर चाइना नहीं लिखा हुआ आ रहा है, कहीं चाइना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यहां पे चाइना दिखे इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको डेटा टाइप पे जाना है और डेटा टाइप पे जाने के बाद यहां से डेटा वैलिडेशन पे जाना है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर कर्सर को रखना है और ये देखिए लिखा हुआ है लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, यहीं पे रखिए और ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए इतना, ठीक है, और ओके कर दीजिए, यहां से भी ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखा जाए इसमें आ रहा है कि नहीं, तो देखिए चाइना भी इंक्लूड हो गया, देख रहे हैं यहां तक, पूरा जहां तक आप सेलेक्ट किए रहेंगे वहां तक चाइना आएगा, देखिए ऊपर चाइना दिख रहा है, सी। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।